एक नवंबर को कथा शुरू करते ही गुरुजी ने सभी को गोपाष्टमी की बधाई दी। यह कथा खरगोन के भीकन गांव में नागेश्वर मंदिर महिला मंडल द्वारा आयोजित की गई है। इस पहले दिन की कथा में गुरुजी ने 16 उपयोगी जानकारी दी है, जिसमें काफी अच्छे अच्छे उपाय और 2 नवंबर आंवला नवमी का पूरा लाभ कैसे प्राप्त किया जा सके इसकी जानकारी है। धन संपदा के लिए आंवला नवमी में हमको क्या करना है, इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि कहते हैं गोपाष्टमी से या फिर आंवला नवमी से पूर्णिमा तक जो भी भगवान की भक्ति हो सकती है, स्मरण हो सकता है, भगवान का पूजन हो सकता है, वह करो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। मतलब इन दिनों में आपको भगवान की पूजन और स्मरण करने से बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया शिव महापुराण कथा वही होती है, बस अलग अलग कथाओं में उसका विषय बदला जाता है। इस भीकर गांव में चल रही शिव महापुराण कथा का जो विषय है हरिहर विष्णु पुराण रखा गया है। वह इसलिए रखा गया है, वैकुंठ चतुर्दशी आने वाली है और यह दिन भोलेनाथ और विष्णु के मिलन का दिन होता है, मतलब हरि और हर के मिलन का दिन होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने हरि और हर मिलन के दिन एक उपाय करने को बताया है। यह उपाय आपको वैकुंठ चतुर्दशी के दिन करना है। यह उपाय बुद्धि के लिए, चित्त के लिए, हमारे शरीर के विकास के लिए, हमारे बुद्धि के विकास के लिए किया जाता है। उपाय में क्या करना है, गुरुजी ने कहा कि हम आपको कथा के बीच में इसके बारे में बताते जाएंगे, पर मैं आपको बता दूं पूरे वर्ष में सिर्फ यही एक दिन होता है जब भोलेनाथ को तुलसी और विष्णु को बेलपत्र अर्पित की जाती है। मतलब आपको भी इस दिन यही करना है। बढ़ते हैं चौथी जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं कि क्या मिलता है शिव महापुराण कथा को सुनने से या फिर शिव महापुराण कथा को कराने से, तो गुरुजी ने कहा है इस बात का ध्यान रखना, भोलेनाथ ने स्वयं तुम्हें चुना है इस पावन कार्य के लिए और जो शिव कृपा से मिला है वह साधारण नहीं हो सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। इसके बाद गुरुजी ने गुजरात की मोरवी में जो पुल टूटने से घटना घटी है, हादसा हुआ है, उसमें कई लोग शांत हुए हैं, उनके लिए इस व्यासपीठ से भीकन गांव से श्रद्धांजलि समर्पित की है। भगवान भोलेनाथ उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, ऐसा भाव व्यक्त किया है। बढ़ते हैं छठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया जब हमने भीकन गांव में प्रवेश किया तब हमने देखा कि सभी ने अपने घरों के मुख्य द्वार में घी के दीपक लगाए हैं, रंगोली लगाई है और सभी ने आतिशबाजी की है। इस पर गुरुजी ने कहा आपने ये हमारा स्वागत नहीं किया है, बल्कि आपने शिव महापुराण का स्वागत किया है जो पूरे संसार का उद्धार करने वाली है। बढ़ते हैं सातवीं जानकारी की ओर। इसके बाद गुरुजी ने एक उपाय बताया जिसमें गुरुजी ने सभी से एक निवेदन किया। गुरुजी ने कहा आंवला नवमी के दिन मतलब 2 नवंबर 2022 को आंवला नवमी के उपलक्ष में आपको आंवला के वृक्ष के नीचे शाम के समय एक घी का दीपक लगाना है। इस घी के दीपक को लगाने के बाद आपको वहीं पर कनकधारा स्त्रोत का पाठ करना है। नहीं आता है अगर आपको कनकधारा स्त्रोत का पाठ करना तो आप मोबाइल में उस स्त्रोत को सुन सकते हैं। अब ऐसा करने से क्या होगा तो आपको साल भर कभी भी लक्ष्मी की कभी कोई कमी नहीं होती है। आंवले के वृक्ष के नीचे शाम को एक दीपक लगाकर कनकधारा स्त्रोत का पाठ हिंदी या संस्कृत में सुनने से या पढ़ने से, तो आप यह आसान उपाय आंवला नवमी के दिन शाम को जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आठवीं जानकारी की ओर। देव सोनी एकादशी में भगवान सोए, देव उठनी एकादशी में भगवान उठे, पर इससे पहले जो आंवला नवमी आई जिसे हम अक्षय नवमी भी कहते हैं, इसको आनंद की नवमी भी कहा जाता है, भंडार भरने वाली नवमी भी कहा जाता है। आंवला नवमी के दिन किया गया दान, किया गया पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होता है, इसलिए इसे हम अक्षय नवमी भी कहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की नौवीं जानकारी की ओर। खंडवा से एक पत्र आया जिसमें लिखा था एक गठान हो गई थी, बाबा की कृपा से बेलपत्र का उपाय किया और शिवलिंग पर एक कलश जल अर्पित करके उसका आचमन करना शुरू किया। भोलेनाथ की कृपा हुई और मेरी वह गठान पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। बढ़ते हैं आज की कथा की दसवीं जानकारी की ओर। जिस मंदिर में आप एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है परिवार चलाने वालों से संबंध इस मृत्यु लोक तक रहता है, पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाले से संबंध अंत वैकुंठ तक रहता है। बढ़ते हैं आज की कथा की ग्यारहवीं जानकारी की ओर। इसके बाद गुरुजी ने ब्रह्म कुमारी आश्रम की बात कहते हुए बताया कि वे कहते हैं, समझाते हैं, जीवन की शुरुआत एक बिंदु से हुई है और जीवन का अंत भी एक बिंदु में ही होता है और वह बिंदु शिव है। बढ़ते हैं आज की कथा की बारहवीं जानकारी की ओर। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे कुछ खाने का नियम क्यों है, इस पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक काफी अच्छी कहानी बताई है जिसे आप ध्यान से सुनिए।
एक बार लक्ष्मी जी भोलेनाथ की परीक्षा लेने के उद्देश्य से उन्हें विष्णु भगवान के सोने पर उनके द्वारा सही से पृथ्वी का संचालन हो रहा है कि नहीं, इसके लिए उन्होंने भोलेनाथ को भोजन के लिए आमंत्रित किया, पर भोलेनाथ भोजन करने नहीं आए। लक्ष्मी जी काशी गईं और वहां पर बोली, आपको वैकुंठ से आमंत्रण आया था पर आप आए क्यों नहीं? तो इस पर भोलेनाथ बोले, मुझे संचालन का बहुत कार्य है और मैं बहुत व्यस्त हूँ, आप मुझे यहीं पर भोजन करा दीजिए। पर इस पर लक्ष्मी जी ने कहा, आपको निमंत्रण वैकुंठ से आया है तो मैं आपको यहाँ भोजन कैसे करा सकती हूँ? तो भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को बुलाया और पूछा, ऐसे कैसे हो सकता है कि पृथ्वी में वैकुंठ में भोजन करने का फल प्राप्त हो सके? तो इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, आंवले के वृक्ष के नीचे वैकुंठ लोक होता है और इसके नीचे भोजन करने से वैकुंठ में भोजन करने का फल प्राप्त होता है। इसके बाद लक्ष्मी जी ने भोलेनाथ को आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन कराया और वह यही दिन था आंवला नवमी का। इसलिए आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने का काफी अच्छा महत्व होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। ज्योति जी पत्र लेकर आई, इसमें लिखा था, एक लोटा जल का क्या महत्व होता है मैं क्या बताऊं, एक अक्षत मतलब एक चावल का दाना शिवलिंग पर अर्पित करने से क्या प्राप्त होता है मैं क्या बताऊं, इतना कर्जा हो गया था कि शरीर की सारी ज्वेलरी बैंक में गिरवी रखा गई थी और वापस ही नहीं मिल रही थी, किसी के कहने पर मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया पर मुझे वह ज्वेलरी नहीं मिली, पर मेरा विश्वास अटूट था, मैंने फिर से पशुपतिनाथ व्रत रखा और मैं कुबेरेश्वर धाम आई और कुबेर भंडारी से निवेदन किया और जो ज्वेलरी 2 साल से नहीं मिली थी वह मुझे मिल गई है। बढ़ते हैं 14वीं जानकारी की ओर। आंवला नवमी का एक और अच्छा उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी ने बताया है, अगर आंवला नवमी के दिन आपके घर का कोई व्यक्ति वृक्ष के नीचे नहीं जा पा रहा है तो आपको आंवले के वृक्ष के नीचे गिरी हुई पत्ती को उठाकर घर लाकर उस व्यक्ति के मस्तिष्क पर उस पत्ती का स्पर्श करा देना है, इससे भी उसे लाभ मिलना निश्चित है। इसके बाद गुरुजी ने बताया, हमने सुना है कई माताएं आंवले के वृक्ष की छाल का भी पूजन करती हैं और इसके बाद वे उस छाल को घर पर लाकर लाल कपड़े पर लपेटकर अपनी तिजोरी में रखती है, ऐसा वह धन संपदा वृद्धि के लिए करती हैं। पढ़ते हैं 15वीं जानकारी की ओर। यह काफी अच्छा एक उपाय है, इसको ध्यान से समझिएगा। भोलेनाथ ने लक्ष्मी जी से कहा कि जो भी भक्त आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे शाम को दीप दान करेगा, दीप प्रज्वलित करेगा, उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी ना हो। इस पर लक्ष्मी जी ने, आपकी आज्ञा स्वीकार करते हैं, इस प्रकार से जवाब दिया, तो आपको भी यह उपाय करना ही है। बढ़ते हैं 16वीं जानकारी की ओर। अगर आपके घर के बच्चे बहुत चिड़चिड़े हैं, गलत मार्ग में जा रहे हैं, बिल्कुल भी बात नहीं सुनते हैं, तो आप उनके हाथ से शिवलिंग पर तुमरुका जी का नाम लेते हुए जल अर्पित करवाना शुरू कर दीजिए और थोड़ा सा जल आचमन भी करवाइए, बच्चा सही मार्ग में आना शुरू हो जाता है और उसकी चित्त वृत्ति भी स्थिर होती है। 1 नवंबर की हरिहर शिव महापुराण कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा।